से सलुम्बर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में रविवार शाम को क्रिकेट खेलने के दौरान बॉल देने की बात पर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के करीब 50 लोगों ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला बोल दिया। हमलावरों में हथियारबंद लोग भी शामिल थे। हमले में 4 युवक घायल हो गए, जिनमें से एक गंभीर घायल नी वर्तमान पार्षद के पति का उदयपुर के अस्पताल में उपचार जारी है। घटना के बाद सलुम्बर नगर में तनाव फैल गया। एहतियात के तौर पर पुलिस के उच्चाधिकारी सहित आसपास के थानों का अतिरिक्त जाप्ता नगर के संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। वहीं घायल की रिपोर्ट पर पुलिस ने 19 नामजद लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर दिया है। पुलिस ने मुख्य हमलावर सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच रात को चुंगीनाका स्थित अस्थाई पुलिस चौकी पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई, जहां रखी कुर्सियां और बैरिकेड्स को क्षतिग्रस्त करते हुए पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की बात भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार घायल बांसवाड़ा रोड के तुलसी विहार निवासी नीलेश भोई ने प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें बताया कि वह अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। पास के मैदान में मुस्लिम समुदाय के युवक भी क्रिकेट खेल रहे थे, जिनकी गेंद उनके मैदान की तरफ आ गई, जिस पर युवकों ने गाली गलौज करते हुए बॉल वापस देने को कहा। गालियां देने पर टोकने की बात ने झगड़े का रूप ले लिया। देखते ही देखते करीब 40 से 50 युवा हाथों में तलवार, बैट, गाड़ी की चेन, फेंट, लाठियां, पत्थर आदि लेकर आए और प्रार्थी नीलेश सहित उनकी टीम के सदस्यों पर हमला बोल दिया, जिसमें निवर्तमान पार्षद सुंदर देवी के पति सोहन लाल भोई सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। सिर में तलवार लगने से गंभीर घायल सोहन लाल को उदयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हमलावरों में नदीम, नवाज, मोहिन, पिंटू, आदिल, सपा, इश्तियाक, रसूल खान, सम्मत खान, सोनू, भाया, मुनाफ, मट्ठा, रजा, शादाब और इरफान सहित मोनू नाम के 5 युवाओं को नामजद किया है। इधर घटना के बाद नगर के भोई समाज में आक्रोश फैल गया है। इसे लेकर भोई समाज और विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग सोमवार सुबह बड़ी संख्या में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम SDO मणिलाल तिरगर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें घटना की कड़ी निंदा करते हुए सभी आरोपियों को शीघ्रता से गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाने की मांग की गई है। साथ ही 2 दिन में सभी हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय परिसर में उगी जाड़ियां कैंपस की खूबसूरती को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। जाड़ियां इतनी उग गई हैं कि विश्वविद्यालय